नमस्कार दोस्तों, पुष्पा किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मीठा चना का दाल। बेर पूरी और पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। इसके लिए सामग्री लग रहा है 150 चना का दाल है। चना का दाल 2 घंटा भिगो के धो के रखी थी। 100 ग्राम आलू है, इसको छोटा छोटा चॉपिंग कर ली हूँ छोटा छोटा। और 3 चम्मच नारियल है, इसको छोटा छोटा चॉपिंग कर ली हूँ। 1 चम्मच देसी घी है और 5 चम्मच सरसों का तेल और 2 चम्मच शुगर है और 2 लाल मिर्च, 3 तेज़पत्ता, 3 लौंग, 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी है और आधा चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ और 1/4 चम्मच हल्दी, 10 किशमिश, 5 काजू और 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ और 3 हरी मिर्च और 1/4 चम्मच हल्दी गरम मसाला और 1 चुटकी हींग और नमक स्वाद अनुसार। अब मैं एक कुकर में दाल को डाल दूंगी। डालने के बाद इसमें मैं 300 ग्राम पानी दूंगी। देने के बाद इसको ढक्कन लगा दूंगी और धीमी गैस में इसको 1 सीटी लगाऊंगी। अब कढ़ाई में 5 चम्मच तेल दे रही हूँ। तेल देने के बाद अब तेल गरम होगा, इतना तेल नहीं लगेगा। आलू फ्राई करना है उसी लिए तेल ज़्यादा अभी देना पड़ रहा है। अब मैं ये आलू को कढ़ाई में दे रही हूँ। देने के बाद इसको मिक्स करते हुए अच्छे से चलाते हुए इसको लाल लाल करके मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई हो जाएगा मेरा, उसके बाद फ्राई हो रहा है मेरा। अब मैं इसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नमक इसमें डाल दूंगी। डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद इसको लाल लाल होने तक इसको फ्राई करूंगी। गैस मेरा जोरी रहेगा, ऐसे ही इसको लाल लाल भून ली हूँ। अब मैं इसको आलू को निकाल लूँगी, ऐसे अच्छे से निकाल लूँगी। अब मेरा आलू हो गया है। अब मैं इसमें नारियल को भी फ्राई कर लूँगी। नारियल को अच्छे से तेल में चलाते हुए इसको ऐसे ही भून लूँगी। नारियल भी मेरा हो गया है फ्राई। अब मैं इसमें इसको खड़ा मसाला यानी किशमिश और काजू को भी थोड़ा फ्राई कर लूँगी। ऐसे ही इसको थोड़ा देर फ्राई करना है। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। हो गया है मेरा। अब मैं इसको निकाल लूँगी कढ़ाई से। मेरा सब कुछ फ्राई हो गया है। अब मैं कढ़ाई से 2 चम्मच के करीब तेल उठा लूँगी। तेल इतना ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि फ्राई करना था उसी लिए तेल ज़्यादा दी थी। अब मैं ये तेल में लाल मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता इसको को दे के थोड़ा देर मैं इसको पका लूँगी। उसके बाद मैं इसमें जीरा देने के बाद सौंफ भी इसमें दे दूँगी। दे के इसको भी थोड़ा देर
मैं पका लूँगी। अब इसमें हींग डाल दूँगी, हींग एक चुटकी हींग डाल दूँगी और इसमें हरी मिर्च और अदरक को डाल के थोड़ा देर फ्राई कर लूँगी। डालने के बाद अब मैं दाल को पका के रखी थी, ऐसा ही दाल चाहिए, दाल को इसमें डाल दूँगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक, जैसा स्वाद चाहिए वैसा नमक दे देंगे। देने के बाद अब मैं इसमें हल्दी दे के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ढक के। अब मैं इसमें आलू को डाल दूँगी। आलू थोड़ा देर पकेगा, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, करके इसको ढक के थोड़ा देर पकाऊँगी। 5-7 मिनट पकाने से ही मेरा हो जाएगा। अब मेरा हो गया। अब इसमें शक्कर जो रखी थी, शक्कर आप लोग के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब नारियल को नारियल काजू और किशमिश को भी डाल दूँगी इसमें। डालने के बाद मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें गरम मसाला जो रखी थी उसको थोड़ा सी दे दूँगी, 1/4 चम्मच गरम मसाला दे के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं देसी घी जो रखी थी 1 चम्मच उसको भी एक कढ़ाई में डाल दूँगी। डालने के बाद मेरा दाल पूरा तैयार हो गया है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा बना है। आप लोग भी बनाइए, बनाकर खाइए और आपका अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।